साथी नमस्ते, मैं विक्की मरंडी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विक्की ब्लॉग्स प्रोडक्शन। आज हमारे गांव में ही कुछ कार्यक्रम रखा गया है सरकार की ओर से, और किसानों के हित के लिए कुछ गांव ग्रामीण के बीच जो किसानों के बारे में कुछ बताया जा रहा है। सर आए हुए हैं हमारे बीच और सर से पूछेंगे कि सरकार किसान के लिए क्या क्या करते हैं और कौन कौन सा योजनाएँ लागू करते हैं। तो सर चल आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है और मैं यहाँ पर डंडखोरा प्रखंड में जी नोडल कृषि पदाधिकारी, नोडल कृषि समन्वयक जी सह उर्वरक निरीक्षक के तौर पर पदस्थापित हूँ जी। और यहाँ पर आपके ये बसंता में जी यहाँ पर किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है जी, जो पौधा संरक्षण विभाग से किसान पाठशाला 6 सत्र में चलाना है। आज का यह अंतिम सत्र 6ठा सत्र है। उसके साथ में उनको टोपी भी दिया जाना है, एक बैग दिया जाना है। किस ढंग से वो कीड़ा को पहचानेंगे, किस ढंग से बीमारी को पहचानेंगे, किस ढंग से रोग को जानेंगे, इत्यादि बातों पर हम बृहत रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। और सरकार की मंशा जो जैविक बिहार है, अब आने वाले समय में हम लोग रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवाई इस सब पर नियंत्रण करते हुए और सब पर अंकुश लगाते हुए हम अब आगे की ओर जो बढ़ेंगे जैविक बिहार को लेते हुए जी, उसमें शुद्ध रूप से जैविक रूप से खेती करने के लिए हमें जैविक रूप में उर्वरक तैयार करना है जी, और उसी ढंग में बीजोत्पादन भी करना है, अपना बीज, अपना खाद और अपना फसल तैयार करना है। इस मंशा से बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए और कृषि विभाग सक्रिय है इसमें, और सक्रियता को दिखाते हुए जगह जगह पर पूरे प्रखंड में प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रखा जाता है। और यहाँ भी डंडखोरा प्रखंड में 5 पाठशाला यहाँ पर चल रहा है, जिसमें से यह बसंता में भी 25 प्रशिक्षु को, 25 किसानों को यहाँ प्रशिक्षित करते हुए हम किसानों के बीच में भेजेंगे और किसानों को फसल के बारे में, उसके रोग के बारे में, बीमारी के बारे में और उसका फसलोत्पादन ज्यादा से ज्यादा हम कैसे करेंगे जी, इन बातों पर किसानों के बीच में यह प्रशिक्षु जा करके बताएंगे भी और उनको उत्साहित भी करेंगे, उनको अग्रसर भी करेंगे और फसलोत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन सर, आप आए और किसानों को टेक्निकल खेती के बारे में किसानों को समझाए, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगला और चलते हैं मैडम की ओर, उससे 2-4 बात सुनते हैं और कुछ सीखते हैं। पहली बात कि इतना देर तक आप लोगों ने मेरा इंतजार करा है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, एक जोरदार ताली, ताली, ताली। आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। और तो और यहाँ पे इसको एक सडनली एक अचानक से भ्रमण के तौर पे मैं यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए कि फार्मर्स से बातें करने के लिए कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं कि अभी तक प्रोडक्शन में क्या हुआ है, कुछ कमियाँ हैं कि क्या अभी तक क्या फ़ायदा हुआ है, ये जरा कुछ मतलब बैठे बैठे ही खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बताएं अभी तक में क्या यहाँ पे मतलब कि आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक में। अभी तक में मैम हाँ बोलिए बोलिए। हम लोग को फायदा बहुत हुआ है, पहले हम लोग खेती यानी कि अच्छी तरह जो पारंपरिक खेती होता था उससे करते हैं थे, लेकिन अब पूरा एकदम यानी कि हम लोग वैज्ञानिक खेती करते हैं, वैज्ञानिक इसे बोलिए। और कुछ भी चीज जो है असंभव नहीं है। किसान जो है अपने आप को मजबूर समझता है, वो मजबूर नहीं है, किसान ही जो है वो देश किसान है, जवान जो है वो देश किसान है। विदाउट ये जो है कृषि जो है यह हमारे बैकबोन है, इसे रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी यदि शरीर से खत्म हो जाए नहीं है, तो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे ही टिकी हुई है। सो आप लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, ये कभी मत सोचिए कि मैं पिछले पायदान पे हूँ, आप लोग सबसे अगले पायदान पे हैं। आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने किसानों को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बृहत रूप से समझाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्त, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जोहार।